नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा। आज एक ऐसे सब्जेक्ट पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ जो मोस्टली लोगों को पता नहीं रहता, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी की समस्याओं का बहुत बड़ा कारण रहता है। दोस्तों, आयुर्वेद में एक श्लोक वर्णित है जिसे हम स्वास्थ्य की परिभाषा बोलते हैं, समदोषा समाग्निश्च समधातु मला क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यविधीयते। इसको WHO ने भी प्रमाणित कर दिया है। WHO भी कहता है कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, यह दोनों यदि बेहतर हैं तो मनुष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जी हाँ, केवल शरीर का स्वस्थ रहना ही सही नहीं है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना सही स्वास्थ्य कहा जाता है। एक बहुत ही प्रचलित डिसीज़ जिसे हाइपोकॉन्ड्रियोसिस कहा गया है, इस डिसीज़ में मनुष्य को यह शक रहता है, वो चिंतित रहता है कि उसके शरीर में कहीं ना कहीं कोई बीमारी पड़ी है। हाइपोकॉन्ड्रियोसिस को हेल्थ एंजाइटी भी कहा गया है, इलनेस एंजाइटी भी कहा गया है, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर कहा गया है। मीन्स यह वह व्याधि है जिसमें व्यक्ति के शरीर में कोई मेडिकल डायग्नोसिस के बाद कोई डिसीज़ फाउंड नहीं होती, फिर भी वह छोटे मोटे मौसमी परिवर्तनों को ध्यान में रखकर अपने अंदर किसी न किसी बीमारी को टटोलता रहता है, या फिर वह अपने पड़ोस में अपने दोस्तों रिश्तेदारों या किसी भी व्यक्ति को हुई बीमारी को चिंतित होकर वह अपने शरीर में ढूंढना शुरू कर देता है और धीमे धीमे वह मानसिक रोगों से भी ग्रस्त होने की कंडीशन में आ जाता है। दोस्तों, हाइपोकॉन्ड्रियोसिस के अंदर कई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी जुड़ जाते हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, क्लिनिकल डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर एंड फोबिया। यह काफ़ी चिंताजनक स्थिति होती है कि इस स्थिति में मनुष्य के शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा प्रदान नहीं कर सकते। इसमें मनुष्य के सात्विक प्रवृत्ति पर, यानी कि उसके मेंटल एटीट्यूड को बिल्डअप करना होता है, और बिल्डअप करने के लिए यह मनुष्य की काउंसलिंग करना आवश्यक हो जाता है। यह व्याधि आज बहुत प्रचलित रूप से चल रही है, जहाँ पर हम अपने स्वास्थ्य के लिए अवेयर जरूर हो रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम अपने स्वास्थ्य के लिए चिंता करना शुरू कर चुके हैं। वातावरण के रूप में यही चिंतित करने की समस्या ही सबसे बड़ा इस बीमारी का कारण है, क्योंकि हम आज के युग में ध्यान यानी मेडिटेशन, खुद पर ध्यान रखने की अपेक्षा औरों पर ध्यान रखना, इन चीज़ों पर फोकस करने लगे हैं। इस बीमारी से यदि बचना है तो हमें अपने खुद के प्रति विश्वास पैदा करना होगा। उसके लिए योगा का सहारा, मेडिटेशन का सहारा हमें निरंतर करना होगा और एक ऐसे परिवेश का निर्माण करना होगा जिसमें सात्विक प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हों। नेगेटिव थिंकिंग के व्यक्तियों से दूर रहना पड़ेगा। दोस्तों, व्याधि कोई भी हो, यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो कोई भी व्याधि हमारे ऊपर हावी हो सकती है। यदि हम मानसिक रूप से मजबूत हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारियों को हराया जा सकता है। स्पिरिचुअल हीलिंग एक ऐसी चिकित्सा के रूप में आज आगे बढ़ रही है, जो कि एक आयुर्वेद का मानसिक गुणों का बहुत बड़ा चिकित्सा विज्ञान है और इसका उपयोग हमें अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो व्यक्ति इस व्याधि से ग्रसित हैं वो अपने आप को सक्षम बनाए, मजबूत बनाए। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू दोस्तों।